हाय, आई एम रविराज। आज हम क्लास 10th की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर अर्थात हिंदी में वास्तविक संख्या के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो चैप्टर वास्तविक संख्या के नाम से जो लिखा गया है, इस चैप्टर से हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आते हैं। ओके, ताकि आपको यह पता चल सके कि इस चैप्टर का कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इससे आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो 10 मार्क्स है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो बोर्ड के प्रिपरेशन में होते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें 10 मार्क्स से में से 10 हमें ऑब्टेन हो जाए। तो आप तो चाहते हैं कि 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स जितना है हमें पूरा फुल का फुल मार्क्स मिले, लेकिन बहुत बच्चे 10 में से 10 मार्क्स को ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनको इस चैप्टर से संबंधित जो बेसिक आइडियाज है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। तो आज हम 10 मार्क्स, जैसा कि आप रियल नंबर चैप्टर में देख पा रहे हैं कि 10 मार्क्स का होता है, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स हम ऑब्टेन करें अपने एग्जामिनेशन में। ओके, इसके लिए क्या क्या जरूरी है इस चैप्टर में पढ़ना, हम उसका अब वन बाय वन करके डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझा जाए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ लेते हैं तो आपको 50% उस चैप्टर का थीम क्या है वो आपको पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अर्थात इंग्लिश में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के भी बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय अर्थात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसी में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण के बारे में भी स्टडी करेंगे, और लास्ट में हम समरी को स्टडी करेंगे। इस समरी से आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में हमने शुरू से लेकर के लास्ट तक जो हमने पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा है, उस सभी का संक्षिप्त में आपको पॉइंट मिलेगा समरी में। ओके, तो कम टू द पॉइंट, अब हम डिटेल से वन बाय वन करके जितने भी आप टर्म्स यहाँ पे देख रहे हैं, अब हम उसके ऊपर स्टडी करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, जैसा कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं, क्लास 9th में आपने ऑलरेडी नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा है। नंबर सिस्टम चैप्टर में आपने रियल नंबर पढ़ा है, और उस रियल नंबर में आपने ये देखा है उसका डेफिनेशन कि परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को रियल नंबर कहते हैं, अर्थात वास्तविक संख्या कहते हैं। ऑलरेडी आप क्लास 9th में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिव्यू करवा देता हूं, ताकि ये आपका जो 10th है, 10th का जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, इसके सॉल्यूशन में आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी ना आ पाए। ओके, तो चलिए एक बार फिर से हम वास्तविक संख्या को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के कलेक्शन को कहते हैं। ओके, अगर हम सिंपली लैंग्वेज में इसको समझे रियल नंबर को, तो वैसी संख्या जिसे हम रियलाइज कर सकें, ओके, जिसको महसूस कर सकें, वैसी संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग आपस में बातचीत भी करते हैं तो कहते हैं कि वो रियल आदमी नहीं है, मतलब उसका जो बिहेव है रियल बिहेव नहीं है, वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, वो झूठा है। तो रियल का मतलब होता है कि जो सच्चा हो, सच्चा तभी होगा जिसका कोई एग्जिस्टेंस होगा। ओके, तो
हम जो वास्तविक संख्या की बात करने जा रहे हैं, हम वैसी संख्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस दुनिया में मौजूद है, ओके? क्योंकि जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे, तो आपको एक अलग तरह का नंबर पढ़ने को मिलेगा, इमेजिनरी नंबर, जो दुनिया में मौजूद नहीं होता है लेकिन हम उसको इमेजिन करते हैं, ठीक है? लेकिन आपके क्लास 9th क्लास 10th लेवल तक हम ओनली वैसे संख्या के बारे में स्टडी करेंगे जो इस दुनिया में मौजूद है। जैसे कि आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे नंबर मौजूद है इस दुनिया में, ओके? तो चलिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट को समझने के बाद इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं।